दोस्तों आज आईपीएल का फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच होगा, तो ऐसे में आई दोस्तों जानते हैं कि इस बड़े मुकाबले में इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी और दोस्तों जानेंगे आज के मैच में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जहां दोस्तों पहले बात करें इन दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में टोटल 4 मैच खेले गए हैं और 4 में से 3 बार गुजरात को जीत हाथ लगी है, तो चेन्नई की टीम केवल 1 मैच जीती है। जहां आंकड़ों को देखते हुए गुजरात का पलड़ा पूरी तरह भारी है, लेकिन जब पिछली बार इन दोनों टीमों का क्वालिफायर 1 में आमना सामना हुआ था तो उस मैच में चेन्नई की टीम ने गुजरात को बड़े आराम से हरा दिया था और फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली थी। लेकिन दोस्तों मुंबई को हराकर गुजरात की टीम ने भी अपना फाइनल का टिकट कटवा लिया और दोस्तों अब इन दोनों टीमों के बीच फाइनल होगा। जहां दोस्तों चेन्नई की टीम भी इस आईपीएल की मजबूत टीम रही है, तो गुजरात ने भी सबसे तगड़ा प्रदर्शन करा है और मुंबई जैसी टीम को हराकर वो फाइनल में पहुंच गई है। जहां दोस्तों ये दोनों टीमें इस मुकाबले को किसी भी हालत में जीतना चाहेंगी। जहां एक बार अगर चेन्नई की टीम ये मैच जीत जाती है तो वो 5वीं बार इस टाइटल को अपने नाम करेगी और अगर गुजरात की टीम ये मैच जीतती है तो फिर वो दूसरी बार लगातार इस टाइटल को अपने नाम कर लेगी। ऐसे में दोस्तों आज हमें दो सबसे बड़ी टीमों के बीच आईपीएल की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि जहां गुजरात की टीम ने इस आईपीएल में पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर फिनिश किया था, तो चेन्नई की टीम ने भी नंबर 2 पे फिनिश किया था और इन दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला आज होगा। और दोस्तों ये मैच आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा और दोस्तों ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, जहां दोस्तों इस मैच से पहले आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी। और दोस्तों अब बात करें इस मैच में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, तो पहले बात करें गुजरात टाइटंस की, तो गुजरात की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए वृद्धिमान शाह के साथ शुभमन गिल दिखाई देंगे, तो मिडिल ऑर्डर में कप्तान हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया और राशिद खान मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे, तो गेंदबाजी में जोशुआ लिटिल, मोहित शर्मा, नूर अहमद और मोहम्मद शमी गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। तो दोस्तों अब बात करें चेन्नई की प्लेइंग 11 की, तो चेन्नई की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए देवेन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ दिखाई देंगे, तो मिडिल ऑर्डर में अचिंक्य रहाणे, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे, तो गेंदबाजी में मथेशा पति राणा, महेश तीक्षणा, तुषार देश पांडे और दीपक चहर चेन्नई की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। जहां चेन्नई की तरफ से इंपैक्ट प्लेयर के रूप में राइडू को मौका दिया जाएगा, तो गुजरात की तरफ से इंपैक्ट प्लेयर के रूप में साई सुदर्शन खेलने उतरेंगे और दोस्तों इस फाइनल बड़े मुकाबले में आज कुछ इस तरह दिखाई देगी। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार का फाइनल इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीतेगी, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।